हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कंप्लीट कर ही लिए थे अपन ने। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन वही चल रहा है, ध्यान रखना। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, अपने को इक्वेशन को सोल्व करना है। फिर से बता देता हूँ, इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल गिवन है। अगर x और y वेरिएबल गिवन होते तो अपने को x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। कहने का मतलब जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करना, ना कि LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन को तो ढंग से पढ़ेंगे नहीं कि लिखा हुआ क्या है, और क्या करेंगे, यहाँ से LHS लिया और LHS से RHS प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और वो प्रूफ होगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन अगर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लिखते हुए चलना है। मतलब ये एक इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, तो इससे एक वेरिएबल किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले गिवन है टेन इनवर्स 1/1 + 2x प्लस टेन इनवर्स 1/4x + 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 2/x2। और अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, समीकरण को हल करना है। तो देखो कैसे करोगे, फिर से बोल देता हूँ, मत करने लग जाना कहीं LHS लेके चल लो और फिर बाद में RHS उसके प्रूफ करने लग जाओ। क्या करना है अपने को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इधर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का। तो टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y क्या होता है, टेन इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 - x into y। तो क्या होगा, देखो टेन इन्वर्स x प्लस y, x का मतलब 1/1 + 2x, x प्लस y, y का मतलब 1/4x + 1/1 - x, x का मतलब 1/1 + 2x * y, y का मतलब 1/4x + 1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना था, तो इस इक्वेशन को पूरे को सोल्व करोगे, ना कि LHS के इक्वल RHS प्रूफ करोगे। ठीक है, तो क्या किया, टेन इनवर्स x, x का मतलब 1/1 + 2x प्लस y, y का मतलब 1/1 + 4x + 1, ठीक है ना, 1/4x + 1, ठीक है, अपॉन में 1 - x * y, मतलब 1 - x, x का मतलब 1/1 + 2x * y, y का मतलब 1/4x + 1, और इक्वल टू क्या गिवन है, टेन इनवर्स 2/x2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहला काम, ठीक है, क्या होगा, दोनों तरफ से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने का मतलब, बहुत बार मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बोला है, फिर से बोल देता हूँ, इस तरीके से इसको काट मत देना। ठीक है, क्या होता है, वो दोनों तरफ टेन लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करके जैसे टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल वे में सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहले समझना, दोनों तरफ से टेन इनवर्स गया, उसके बाद में 1 + 2x * 4x + 1 ऊपर एलसीएम आएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 1 + 2x * 4x + 1 ये एलसीएम आया। तो क्या हुआ, 1 + 2x से 1 + 2x कैंसिल हुआ, क्या बचा, 4x + 1, 4x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 1 आ गया, प्लस 4x + 1 से 4x + 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 + 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 1 + 2x * 4x + 1 ये सेम एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा, 1 + 2x * 4x + 1, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्यों, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 हो गया, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यार सिंपल सा है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले ये LCM आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब क्या आएगा, एक बार ऐसे ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 1 + 2x * 4x + 1, और आगे क्या बच रहा है, -1 * 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो वो इक्वल टू,
इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स तो कैंसिल हो ही गया। उसके बाद में क्या किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होके एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आएंगे और माइनस 1, ये तो आता होगा ना, इजी वे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, तो 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बच रहा है, लिख देता हूँ, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 4x से करोगे तो 4x प्लस 1, फिर 2x को 4x से करने पर 8x स्क्वायर। ठीक है, और 2x को 1 से करने पर प्लस 2x, आगे लिखा हुआ है माइनस 1 और इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या क्या किया, 4x प्लस 2x इक्वल टू 6x, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 4x से करने पर 4x प्लस 1, फिर 2x को 4x से करोगे तो 8x स्क्वायर, 2x को 1 से करोगे तो 2x। ठीक है, और लास्ट में माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो ही गए। उसके बाद देखो, अब देखो अब क्या करना है अपने को, एक बार इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। ऊपर तो लिखा हुआ है 6x प्लस 2 अपॉन में लिखा हुआ है देखो 8x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर अब सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, 6x प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, इक्वल टू क्या बचा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, समझ पा रहे हो ना, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3x, और जो 2 कॉमन लोगे वो दोनों कैंसिल हो गए, समझ गए ना, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, 3x बचेगा, और ऊपर 2 कॉमन लोगे तो 3x प्लस 1, यहाँ x भी कॉमन आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे वो तो, और इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, जैसे 10th क्लास में करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर प्लस 6x, समझ गए, 2 को 4x से करो, 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू, इधर करोगे तो देखो 3x क्यूब, समझ गए, x स्क्वायर को 3x से करने पर क्या आएगा, 3x क्यूब प्लस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो 3x क्यूब तो है ही, तो 3x क्यूब, सबको RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3x क्यूब ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, 8x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 8x स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, माइनस 7x स्क्वायर, पहले से x स्क्वायर है, और 6x उस साइड में जाएगा तो माइनस 6x, और इधर क्या बचेगा, 0, तो वो इक्वल टू 0, समझ गए, या फिर ऐसे समझो कि इन सबको इस साइड में लाओ और फिर उसके बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाएगा। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों में x है, तो x कॉमन आया तो क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, समझ में आ गया होगा, x कॉमन ले लिया तो 3x क्यूब से 3x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर से x कॉमन आ गया तो 7x बच गया और माइनस 6x कॉमन आ गया और इक्वल टू 0, तो x तो ऐसे कैसे, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, तो इसको कैसे लिखोगे, 3x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, ठीक है, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जाए 18 आ जाए, और क्या करना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, माइनस 7 तो वो कौन है, 9 और 2, ठीक है, इतना तो आता हो गया, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, माइनस 9x प्लस 2x, समझ गए होंगे, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x, क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो x है, एक x माइनस 3 और एक क्या बचेगा, 3x प्लस 2, ठीक है, दिख रहा होगा यार यहाँ तक, पता नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू देखो वो इक्वल टू 0, तो एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी, ध्यान रखना ऐसे मत कर देना कहीं से x को ही 0 में भेज दो, x 0 में नहीं जाएगा, ध्यान रखना x की वैल्यू होगी क्या, 0, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता ना 1 2 3 5 8 तो वो 0 में चला जाता, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,
तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ पा रहे हो। और एक 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, माइनस 2 अपॉन 3। अगर दिख रहा भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू तुम लोग आराम से निकाल सकते हो ना। समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, शायद क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या था, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हुआ आया था, इसलिए अपने को x की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू आ गई 0, 3 माइनस 2 अपॉन 3। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो कर दिया। क्या किया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। उसके बाद क्या था, LCM लिया। LCM लेने के बाद वो तो फिर बच्चों वाला खेल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से सोल्व करने के बाद में यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x को 0 में मत भेज देना, x इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा इसके फैक्टर किए तो माइनस 9x प्लस 2x कॉमन लिया, ठीक है। और इस तरीके से x की 3 वैल्यूज आ गई 0, 3 एंड माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, tan इनवर्स x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका वो बता देता हूँ एक बार, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये जो tan इनवर्स 7 है इसको LHS में शिफ्ट कर दोगे तो प्लस से tan इनवर्स z, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। समझना मेरी बात को, क्या कर सकते हैं, इस माइनस टेन इनवर्स 7 को अगर LHS में लाएंगे तो क्या बनेगा, एक बार लिख देता हूँ, बनेगा प्लस से tan इनवर्स 7 इज इक्वल टू पाई, समझने की कोशिश करना। और उसके बाद में अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मतलब x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस y का मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस z का मतलब 7, फिर बाद में आएगा माइनस x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर अपॉन में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक बार क्वेश्चन को देखो, देखो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तुम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया अपन क्या कर सकते हैं, समझना, क्वेश्चन क्या था अपना, इक्वल टू लिखा हुआ था पाई माइनस टेन इनवर्स 7, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस टेन इनवर्स 7 लिखा हुआ है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो समझना मेरी बात, दूसरा जो तरीका है कि सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इन दोनों में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। उससे क्या होगा, एक tan इनवर्स और एक कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करें, tan इनवर्स 7 को LHS में शिफ्ट करें, मतलब उसके बाद में tan इनवर्स 7 को LHS में शिफ्ट करें और फिर वापस से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, हो सकता है क्वेश्चन दो लाइन ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन में दो लाइन ज्यादा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व होगा और अपने को खुद को विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो अपन ने किया है वो सही किया है। नहीं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे थोड़ी इजी वैल्यू होती, जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है या x लिखा हुआ होता है या y लिखा हुआ होता, मतलब बहुत इजी वैल्यू होती अपने पास में, तब अपन क्या करते, तब अपन सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अप्लाई करो उससे पहले ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि अपने को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्वेश्चन इजी होगा या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस से tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है ना, इतना सा सोच लेना। अगर यहां थोड़ी डिफिकल्ट सी वैल्यू दिख रही है, ठीक है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट सी वैल्यू दिख रही है तो इसको दो दो पार्ट्स में तोड़ के उसके बाद में सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन मैंने ये बात समझाई है अभी तक कि यहां पे मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वेशन पूरा समझाने के बाद में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ जाए कि सर इसको इस साइड में ले लेते तो LHS में शिफ्ट कर देते तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर देते और कर देते तो बहुत ईजी हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार करके देखना, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर क्वेश्चन जो बात मैंने बोली वो समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक बात और बोल दूँ, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हुआ है, प्रूफ दैट नहीं लिखा हुआ। प्रूफ करना होता तो क्या करते हैं, LHS से RHS प्रूफ कर देते हैं, लेकिन अभी इक्वेशन सोल्व करनी है, और इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले वही तरीका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स का मतलब एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वाई, वाई का मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इनके अपॉन में वन माइनस एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू वाई, वाई का मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन, ठीक है। तो क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई और इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन। उसके बाद देखो टेन इनवर्स, यहाँ क्या एलसीएम आ रहा है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो एलसीएम ले लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स। उसके बाद क्या होगा, देखो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, x को यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, समझ में आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को सेवन से करोगे सेवन एक्स, प्लस x माइनस वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ठीक है। अब अपॉन में देखो, देखो 1 माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ऊपर एलसीएम क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो ये सेम एलसीएम अगर यहाँ ले लेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इन दोनों को कैंसिल मत करना, ठीक है। जो एलसीएम आ रहा है वो सेम एलसीएम यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये दोनों लिखे हुए ना नीचे, तो ये दोनों यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, क्या क्या ये दोनों मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया, तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स, और क्या बच गया एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन, और इक्वल टू क्या है पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो टेन इनवर्स ये तो कैंसिल, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड प्लस वन अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स को एक्स से करने पर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को वन से करोगे तो एक्स, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो x को x से करने पर तो प्लस एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा माइनस एक्स, एक चलो एक बार इसे माइनस लिख के, फिर x को x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस वन से करोगे तो माइनस एक्स, सेवन को x से करोगे तो सेवन एक्स, और उसके बाद में सेवन को माइनस वन से करोगे तो माइनस सेवन हो गया, ठीक है, ये आना था। और अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन हो गया, ठीक है। इतना तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, अब देखो टेन इनवर्स कैलकुलेशन करनी है अभी, तो टेन इनवर्स से ऊपर क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, एज इट इज रहेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन में, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन, तो यहाँ क्या आ गया माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन, तो पाई माइनस टेन इनवर्स सेवन। अब देखो टेन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन, क्या करेंगे टेन इनवर्स सेवन को एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो प्लस टेन इनवर्स सेवन इक्वल टू
पाई, ठीक है। ये टेन इनवर्स सेवन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरू में भी स्टार्टिंग में भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे, अगर स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देते तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, लेकिन उससे थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती, इसलिए मैंने क्या किया, पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद में अब मैंने टेन इनवर्स सेवन को यहाँ शिफ्ट कर दिया और दोबारा से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये मैं सोचना दो बार फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे बढ़िया एक बार भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती, इसलिए क्या करेंगे इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ये बात तुम लोगों को आगे के क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखनी है, अगर वैल्यूज थोड़ी मुश्किल दिख रही है, ठीक है ना, थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू दिख रही है, तो क्या करो, पहले दो दो के पार्ट बनाओ, जैसे पहले इन दोनों का पार्ट बनाया, वो एक पार्ट बन गया, उसके बाद में इसको वापस से इधर लाओ, फिर वापस इन दोनों का पार्ट बनाओ और उसके बाद में उसको सॉल्व कर दो। तो अब वापस से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दोबारा से कैसे, टेन इनवर्स वही एक्स, एक्स का मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन प्लस वाई, वाई का मतलब क्या है सेवन, ठीक है, अपॉन में वन माइनस एक्स, एक्स का मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इंटू वाई, वाई का मतलब सेवन हो गया, ठीक है, इक्वल टू पाई। अब देखो, अब दो काम, एक तो टेन उस साइड में जाएगा तो टेन पाई बनेगा, उस साइड में जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है ना, तो क्या होगा, एक यही समझ लेते हैं, तो टेन इनवर्स उस साइड में गया तो टेन पाई बन गया, यहाँ क्या आएगा देखो समझो, यहाँ माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन एलसीएम आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन अगर एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, देखो टू एक्स स्क्वायर साथ देना थोड़ा प्लस से फाइव एक्स प्लस सेवन, और माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, माइनस फोर्टी नाइन एक्स और सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन, ठीक है, अपॉन में माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन एलसीएम आएगा, तो वही तो एलसीएम यहाँ भी आएगा, ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को, जो एलसीएम यहाँ आएगा वही एलसीएम यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे आया था एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो यहाँ भी एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ठीक है, तो यही सोचो कि यार यहाँ भी माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन जब एलसीएम आएगा तो वो पहले वन से मल्टीप्लाई होगा और वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन, ठीक है, और उसके बाद में माइनस तो यहाँ से और सेवन यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को टू एक्स स्क्वायर, तो सेवन टू जा फोर्टीन, तो माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव एक्स हो गया, और प्लस माइनस माइनस सेवन वन जा सेवन, सेवन को टू से करोगे फोर्टीन, सेवन को फाइव से करोगे थर्टी फाइव, सेवन को वन से करोगे सेवन, और यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो रहे माइनस और इज इक्वल टू टेन पाई। ये समझ में आ गया क्या, ठीक है, क्या किया मैंने, ठीक है, अगर ये समझ लेना दोनों जगह ये माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन एलसीएम होता तो वो दोनों कैंसिल हो जाते और उसके बाद में यही लाइन आती, ठीक है, तो मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी, ये समझ पा रहे होंगे तुम लोग शायद। उसके बाद देखो क्या होगा, समझो, देखो टेन पाई की वैल्यू तो जीरो जानते हैं, टेन पाई, टेन टू पाई, टेन थ्री पाई, टेन माइनस पाई, टेन जीरो, टेन थ्री पाई, ठीक है, टेन माइनस थ्री पाई, टेन माइनस फोर पाई, मतलब टेन एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, तो क्या होगा, टेन एन पाई की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ टेन पाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद देखो टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टी नाइन एक्स, प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फोर एक्स हो गया, और सेवन, ठीक है, सेवन प्लस फोर्टी नाइन, तो सेवन, ये सेवन कैसे आ गया, यहाँ क्या है वन, ठीक है, तो वन प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू फिफ्टी, यहाँ क्या गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, तो ऐसे कैसे, और माइनस फोर्टी नाइन एक्स प्लस सेवन सेवन या फोर्टी नाइन, ठीक है, गलती से लिख गया होगा, अपॉन में देखो यहाँ माइनस सेवन एक्स और ये माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर सबसे पहले, तो ये उसके बाद में माइनस थर्टी फाइव और माइनस सेवन माइनस फोर्टी टू एक्स और सेवन माइनस सेवन, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन पाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यार यार यहाँ कुछ भी होता है, ठीक है ना, इजी वे में वैसे समझ पा रहे होंगे तुम लोग कि ये तो जीरो में ही जाना है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको इस साइड में लेके आया तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स का मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन,
ठीक है, प्लस वाई और अपॉन में वन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन तो आएगा ही, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर्टी नाइन एक्स प्लस 49 हो गया, या वन माइनस ठीक है सेवन टू या फोर्टीन फोर्टीन एक्स स्क्वायर हो गया। सबसे पहले ये तो यहाँ आ जाएगा ना, एलसीएम लोगे माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन, तो उसके बाद ठीक है माइनस फोर्टीन, फिर वहाँ में माइनस माइनस मतलब तीनों माइनस होने हैं, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ठीक है, और सेवन वन जा सेवन, ये सेवन सेवन कैंसिल हो गया, माइनस सेवन एक्स ठीक है और माइनस थर्टी फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू एक्स ठीक है, और माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर और इक्वल में क्या आ गया जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि टेन पाई की वैल्यू क्या थी जीरो थी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व कर लो आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है, इसके बाद तो आराम से टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास एट क्लास में अपन ने खूब सोल्व किए इस तरीके से इक्वेशन। तो क्या करना है देखो, अब ये तो जीरो में चला गया, ये जीरो में चला गया, तो क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर एक्स प्लस फिफ्टी इक्वल टू जीरो, टू को मन आ रहा है या टू से सबको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, अरे इक्वेशन सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना ही तो था, तो क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए श्रीधर आचार्य जी, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो माइनस बी तो माइनस बी, बी का मतलब माइनस ट्वेंटी टू, तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस ट्वेंटी टू का स्क्वायर वो क्या होता है फोर एट फोर चार सौ चौरासी माइनस फोर इंटू ए, ए का मतलब वन इंटू सी, सी का मतलब ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड तो हंड्रेड हो गया, और अपॉन में 2 इंटू ए, ए का मतलब कितना है 1, तो समझ में आ गया होगा ये, तो x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस रूट 484 में से 100 गए तो 384 और अपॉन में 2 बन गया 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस देखो रूट 384, तो 384 2 से 2 बन गया 2 9 2 उसके बाद 2 2 9 सिक्स टू फोर्टी एट, समझ पा रहे हो ये तो 12 सिक्स थ्री तो वन टू थ्री ठीक है, टू का पेयर थ्री टाइम तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट रूट टू थ्री जा सिक्स अपॉन टू, ये तो कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 20 देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस माइनस 4 रूट 6, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 11 प्लस माइनस 2 4 जाए 8 रूट 6 आंसर आ गया ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान क्या रखना था थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू थी इसलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पहले अप्लाई किया, उसके बाद में अपन ने टेन इनवर्स सेवन को एलएचएस में शिफ्ट किया और वापस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, तो अपने पास में एक्स की वैल्यू आ गई 11 प्लस माइनस रूट वो सॉरी प्लस माइनस 4 रूट 6। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वॉइस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला अपने पास हो, फिर से एक बात बोल देता हूँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ना कि अपने को पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो देखो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कोट इनवर्स एक्स में क्या बात कर रहा था कि कोई फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो, उसको यहाँ अप्लाई करें और सॉल्यूशन आ जाए। तो क्या तरीका है, एक तरीका है कि या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दो, उससे क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या दोनों को कोस इनवर्स में चेंज कर दो, या दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दो, या दोनों को कोट इनवर्स में चेंज कर दो। देखो इजी कब रहेगा अगर अपन दोनों को ही टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, तो इसको तो आराम से कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, जानते हो ना
cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, और इस sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 को भी किस में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करना तुम लोगों को आता है, देखो क्या करते हैं जानते हो तुम लोग, जैसे sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 को थीटा के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 हो गया। उसके बाद में इस तरीके से एक ट्रायंगल बना देंगे, ये थीटा हो गया, ये ए बी सी, और ये अपने राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर और ये रूट फाइव क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो जाएगा, देखो रूट फाइव का स्क्वायर 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, ये तो आता होगा ना तुम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 है तो टेन थीटा, टेन में कन्वर्ट करना है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, और थीटा का मतलब क्या था, थीटा का मतलब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, और अपन जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो अब क्या बोल सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, तो यहाँ लिख दिया टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। अब बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हो, कैसे, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x का मतलब 1 अपॉन 2 प्लस y, y का मतलब 1 अपॉन x, अपॉन समझ गए ना, 1 माइनस x, x का मतलब 1 अपॉन 2 इंटू y का मतलब 1 अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 4। दो काम होंगे, tan एक तो उधर जाएगा, दूसरा यहाँ एलसीएम लोगे तो देखो 2 और x, तो क्या एलसीएम हो जाएगा 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 बन जा 2, LCM आएगा 2x, सेम LCM ही आएगा 2x, तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 1 बन गया 1 इज इक्वल टू 10, उस साइड में जाएगा तो 10 पाई बाई 4, समझ में आ गया होगा, LCM ले लेना है, सोल्व हो जाएगा ना। तो देखो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 क्या होगा, 2x को इधर ले लो तो माइनस एक्स, समझ गए ना, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस 1 और 2 को उधर लोगे तो माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। करना क्या था, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में कितना हो गया, टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, ठीक है। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे को आता होगा, और उसके बाद में ये तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3, ये गिवन है, और अपने को इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले माइंड में आ रहा होगा कि अपन 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल करेंगे भी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3 tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तो जानते होंगे तुम लोग, लेकिन समझना मेरी बात को, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसका रेशनलाइजेशन कर दो, उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, देखो समझना, ये जो लिखा हुआ है ना 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो 9th क्लास में करते थे अपन 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस रूट 3 अपॉन
2 माइनस रूट थ्री से, समझ पा रहे हो? तो 2 माइनस रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर 3। तो देखो 4 माइनस थ्री तो 1 हो गया ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया 2 माइनस रूट थ्री। कहने का मतलब 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट थ्री। तो एक बार खुद ही सोचो, ये इजी की ये खुद ही माइंड में आ रहा होगा ना, कौन सा इजी है, 2 माइनस रूट थ्री। तो इसलिए क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो 3 टेन इनवर्स और 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री को रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आएगा, 2 माइनस रूट थ्री, इस बात का ध्यान रखना ना। और माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये तो आता होगा तुम लोगों को, क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस रूट 3 से, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा 3 टेन इनवर्स एक्स का। 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, 3 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, 3 tan इनवर्स x, x तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 3x, तो 3x, x का मतलब 2 माइनस रूट 3, ठीक है। 3x माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 2 माइनस रूट 3 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 1 माइनस 3x स्क्वायर मतलब 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया होगा ये, 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x, x का मतलब 2 माइनस रूट 3 माइनस x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब का मतलब 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन होगी। टेन इनवर्स 3 टू या 6, फिर 3 को रूट 3 से करोगे तो माइनस 3 रूट 3 माइनस, यहाँ देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जानते होंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जानते हो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब, a क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो a क्यूब। फिर क्या आता है, माइनस b क्यूब, तो माइनस b क्यूब, b क्यूब का मतलब रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 का क्यूब क्या होता है 3 रूट 3, समझ गए ना, रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो वो क्या होगा 3 रूट 3। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 ए स्क्वायर बी, बी का मतलब क्या है रूट 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 रूट 3, समझ पा रहे हो ना, 12 रूट 3। और प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए, ए का मतलब 2 और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आता है 3, 3 3 जा 9 2 जा 18 या 3 2 जा 6 3 जा 18, तो प्लस 18 हो गया, समझ में आ गया, अपॉन में 1 माइनस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 ए बी, 2 2 जा 4 इंटू बी मतलब रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 ये आ गया। और इक्वल माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 3, ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखो टेन इनवर्स, समझो देखो 6 ये माइनस 8, एक बार ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, समझ गए। उसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे अभी कोई नहीं। सबसे पहले देखो 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 और माइनस 18, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, समझ गए होंगे, माइनस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस 26 और प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 20। उसके बाद देखो 12 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और माइनस रूट 3 3 रूट 3, तो ये दोनों तो कैंसिल, प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 और क्या बच जाएगा, प्लस 12 रूट 3 अपॉन में, देखो अपॉन में क्या होगा,
4 प्लस 3, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 1 माइनस 3 को 4 से करोगे तो 12 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस से प्लस से 12√3, जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो 12 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 21, और माइनस 21 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस से 20 होता है, और प्लस से 12√3, ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस 20 प्लस 12√3 अपॉन माइनस 20 प्लस 12√3 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 3 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10 इनवर्स 1, ठीक है, 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, सेम है 1 हो गया, माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 3, 10 इनवर्स 1 अपॉन 3, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का, ठीक है, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक और तरीका है, देखो इसको इधर की तरफ लेके आ जाओ और इसको उस साइड में ले जाओ, उससे क्या होगा, ये एक्स वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी, बिना एक्स वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी, चलो ऐसे ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स का मतलब 1 प्लस वाई, वाई का मतलब 1 अपॉन एक्स, अपॉन में 1 वो कौन सा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब 1 इंटू वाई का मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 3, समझ में आ गया होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो टेन इनवर्स देखो एक्स एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी एक्स एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 3, समझ में आ गया होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम एलसीएम आएगा, उसके बाद x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 या 1 हो गया, दोनों तरफ tan इनवर्स गए एक तरह से, तो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, समझ गए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, सॉल्व कर लो, x इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और वही अपने को फाइंड करनी थी, ठीक है, इस इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू फाइंड करना, 3x माइनस x मतलब 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, 3 tan इनवर्स x सबसे पहले क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे और उसके बाद में इस तरीके से इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर दोगे, क्या किया था, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। देखो इसका एक और मेथड है, ठीक है, मतलब मेथड तो क्या इसी की तरह होगा शायद, ये समझ में आ गया होगा, उसको समझो क्या कर सकते हैं अपन, इसको एक बार रफ कर देता हूँ, देखो क्या कर सकते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और इसी के साथ क्या करें, अगर इसको मैं RHS में शिफ्ट कर दूँ तो इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देखो दो काम एक साथ हो जाएंगे, क्या करें, जैसे मैंने क्या किया था, इसको एज इट इज इधर रख दिया था ना, तो अभी क्या कर सकते हैं अपन, ये तो सॉल्व करना ही है, और इधर क्या करें, tan इनवर्स 1 अपॉन 3, और इसको RHS में ले जाओगे तो प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों एक साथ सोल्व हो जाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो इधर की तरफ तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और इक्वल में देखो, इक्वल में क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का मतलब 1 अपॉन 3 प्लस वाई का मतलब 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x, एक्स का मतलब 1 अपॉन 3 इंटू वाई का मतलब 1 अपॉन x, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो tan इनवर्स, tan इनवर्स या 3x LCM आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3, तो x प्लस 3 अपॉन 3x, 3x माइनस 1, जो LCM आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों तरफ से tan इनवर्स तो गया, और दोनों तरफ से अगर tan इनवर्स गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों सेम है, सेम है तो यहाँ तो 1, और 1 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो वही x इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इसमें मैंने क्या किया, देखो
कैसे भी करो यार, मेथड सही होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, इसको RSS में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे RSS में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। तो इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और इधर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसमें क्वेश्चन इसलिए शॉर्ट हो गया क्योंकि दो नौ फॉर्मूले एक साथ अप्लाई हो गए। पहले वाले जो मेथड अभी बताया था उसमें क्या किया था, यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व किया था, और उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22 तक कंप्लीट हो गए, इसके बाद वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगा ना, अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है, 10th क्लास की वीडियो भी डालनी पड़ती है यार, उनके भी थोड़े एग्जाम वगैरह आने वाले हैं ना, 30 को उनका एग्जाम है, और उसके बाद में अपनी वीडियोस रेगुलर रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घबराओ मत, आराम से बस वीडियोस को देखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। ये मत सोचना कि यार स्कूलें खुलेंगे उसके बाद में पढ़ाई, उसके बाद में कुछ नहीं होगी। जुलाई आ गया है, पहले क्या होता था, पहले जुलाई से पहले तक 6th चैप्टर तक कंप्लीट हो जाता था, कम से कम 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे। अभी अपने जितना हो सकता है उतनी पढ़ लो, तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा।